अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, गुड होंगे, हैप्पी होंगे। आप देख रहे हैं इनोवेशन पीके, और आज मैं आपको बताऊंगा बनेंस की जो न्यू सिक्योरिटी अपडेट है वो क्या है और आपने नेक्स्ट कैसे इसको लेके चलना है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज आपको मैं बताऊंगा, और इसी वीडियो के साथ मैं एक वीडियो अटैच करूंगा, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, और ये हमारे इस चैनल के ऊपर बनेंस सीरीज के ऊपर आपको मिल जाएगी ये वीडियो, क्योंकि ये उस प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। बनेंस की जो नई अपडेट है उसके मुताबिक बनेंस ने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है, और एक वार्निंग दी हुई है। बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपने अपने अकाउंट पे कॉर्नर पे जाना है, जहां पे आपका वो वेरिफिकेशन का टिक शो हो रहा होता है ग्रीन कलर का। अगर आपके वहां पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन, तो फिर आप ओके हैं। अगर वहां पे आपके इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन नहीं लिखा हुआ और बेसिक वेरीफाई है या फेल्ड लिखा हुआ है, तो उसका मैं सारा तरीकाकार आज आपको बताता हूं। अगर आपका इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन नहीं लिखा हुआ, तो आपका अकाउंट बनेंस 25 सितंबर को बंद कर देगी और आपकी ट्रेड वगैरह क्लोज हो जाएगी, और आप फिर इसमें आपका अकाउंट पक्का पक्का लॉक हो जाएगा। आपके पास 1 महीने का टाइम है अपनी फेस वेरिफिकेशन और अपना डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बनेंस पे वेरीफाई कर लें। और ये पाकिस्तानी यूजर्स के लिए है, जिन लोगों ने मलेशिया का एड्रेस डाला हुआ था और पहले से वेरीफाइड था वो तो ओके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं, क्योंकि मलेशिया में बनेंस को बैन किया हुआ है, और पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, नेपाल, इन लोगों के लिए, और मलेशिया के बाहर मैं लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जिन लोगों के बनेंस वेरीफाइड नहीं है, इंटरमीडिएट वेरीफिकेशन नहीं है ग्रीन टिक के साथ, तो उनका अकाउंट 25 सितंबर को बैन हो जाएगा, और वो जो फंड उनका उसमें है वो लॉस्ट होगा। इसलिए इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन लाजमी कर लीजिए 25 सितंबर 2021 से पहले पहले। दूसरी चीज, जिनके फेल्ड लिखा हुआ है और उनकी वेरिफिकेशन पे वो क्लिक करते हैं, जाते हैं तो आगे वेरीफाइड है, वो अपने बनेंस को पहले अनइंस्टॉल कर दें अपने मोबाइल से, नए सिरे से इंस्टॉल करें, मोबाइल को पहले ऑफ करें, उसको बनेंस को अनइंस्टॉल करके वो मोबाइल को ऑफ करें। मोबाइल को ऑफ करने के बाद उसे दोबारा से इंस्टॉल करें बनेंस को, और लॉग इन करें बनेंस को, और लॉग इन करने के बाद आप उसे करेंगे तो वो ओके हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होता, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेकर बनेंस के ही स्पोर्ट पे जाना है, और स्पोर्ट में जाके उनके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले को क्लिक करके, हेल्प एंड स्पोर्ट वाले पे क्लिक करेंगे, वहां पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो उसके जरिए जाके उनसे बात करें और उनको बताएं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपको क्लियर कर देंगे। जिनका जस्ट वेरीफाई लिखा हुआ है ग्रीन के अंदर, वो भी बनाए सपोर्ट पे रब्ता लाजमी करें, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट 25 सितंबर तक चल रहा है, उसके बाद आप अकाउंट यूज नहीं कर सकेंगे और ब्लॉक हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को नंबर्स का इशू होता है। मोबाइल नंबर किसी का मलेशिया का है, किसी का किसी जगह का है, किसी का किसी जगह पे है, और किसी का गुम जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बनेंस ने क्या किया है कि उसके लिए उन्होंने एक नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है, जिसके अंदर आप को अगर आपका फ़ोन नंबर आपका गुम हो चुका है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए आपने करना क्या है, जिस वक्त आप अपना मोबाइल के ऊपर लॉग इन कर रहे होते हैं, तो कोड का ऑप्शन जहाँ पे आता है नीचे लिखा होता है एक ऑप्शन, सिक्योरिटी ऑप्शन इज अनअवेलेबल, आगे सवालिया निशान होता है, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके पास नहीं है, वो दो चीज़ें आएंगी, मोबाइल और ईमेल, ठीक है। तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, बनेंस आगे आपसे वो पूछेगा कि आप सिक्योरिटी कोड दें और नया फ़ोन नंबर या जो भी आपने ऐड करना है तो वो ऐड करें। और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि बनेंस ऑथेंटिकेशन, बनेंस का अपना ऑथेंटिकेशन, एक गूगल ऑथेंटिकेशन है, एक बनेंस का अपना ऑथेंटिकेशन है, वो लगाएं, और फ़ोन के झंझट से आपकी जान छूट जाएगी, और आप बनेंस का जो ऑथेंटिकेटर है वो यूज़ करें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक दफ़ा वो कोड वहाँ पे लग जाएगा, और उसके बाद वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और फ़ोन नंबर आप जिधर मर्जी जाएं, आपको कुछ भी बदलना नहीं पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है उससे फ़ायदा उठाइए,
और ये जो सिक्योरिटी अपडेट है इसको लाइट नहीं लेना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस है क्योंकि बहुत सारे लोगों का उसमें फंड पड़ा हुआ है और बाइनेंस ने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर 25 सितंबर तक लोग अपनी इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो उनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा और फंड उनका लॉस्ट में ही तसव्वुर होगा। तो इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, आपका आइडेंटिफिकेशन आती है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस आता है, और अगर नए जो यूज़र हैं वो जो अब वेरीफाई करेंगे वो पाकिस्तानी एड्रेस के साथ ही करेंगे बेशक वो जिधर भी हैं। और उसके बाद उसके अंदर आता है फेस वेरीफिकेशन, फेस वेरीफिकेशन करने के बाद वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें हो गई कि 25 सितंबर तक आपने इंटरमीडिएट वेरीफिकेशन लाजमी करनी है, मोबाइल नंबर के ऑप्शन को ख़त्म करके आप बनैस का ऑथेंटिकेटर यूज़ करें, और अगर आपका फ़ोन नंबर गुम गया हुआ है तो बहुत आसान है, बनैस की वेबसाइट पर जाएँ और उस वेबसाइट पर जाकर फॉरगेट पासवर्ड में नहीं जाना, आपने लॉगिन पे जाना है और जब कोड मांगे तो आपने नीचे वाले अनअवेलेबल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और अनअवेलेबल ऑप्शन के ज़रिए से आपको वो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन करेंगे कि आपके बैलेंस कितना है, आपने ट्रेड किस पे ज़्यादा की है, आपके आईडी कार्ड की तस्वीर मांगेंगे और आपकी फेस वेरीफिकेशन करेंगे, और आपको अगर 5 सवालों में से 4 के जवाब ठीक दे देंगे आप तो आपको वो क्लियर कर देंगे। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आज के बाद आप ईमेल और गूगल ऑथेंटिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन है बनैस ऑथेंटिकेटर यूज़ करें जो बनैस के अंदर से ही डाउनलोड होगा। तो ये चीज़ है, ये डाउनलोड करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये वीडियो पाकिस्तान मलेशिया के अलावा सबके लिए है क्योंकि मलेशिया में बैन है, मलेशिया के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। मलेशिया में भी जो पाकिस्तानी है उनके लिए है क्योंकि मलेशिया के हदूद में बनैस नहीं चलती और वो यहाँ पर बैन है। तो ये चीज़ थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसी वीडियो को कंटिन्यू करते जाइएगा। मैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो लगा दूंगा, यानी इस वीडियो के साथ मैं वीडियो अटैच करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको फिजिकल तरीके से समझा देता हूँ कि ये आपने किस तरीके से करनी है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो उससे कंप्लीट देख लेंगे तो आपका अकाउंट सिक्योर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये थी आज की अपडेट, इसी तरह की मज़ीद न्यू जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।